तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहरक हो गई है। CDO को पार्लियामेंट लार्जेस्ट मुस्ताफी PTI अराकीन से खाली करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। CDO की जानब से मुस्ताफी अराकीन को लार्जेस्ट की रहायशगाहें खाली कराने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है, जबकि मुस्ताफी PTI अराकीन को यह भी हदायत जारी की गई हैं कि वह अपनी रहायशगाहों के अखराजात फौरी तौर पर जमा करवाएं, वरना उनको NOC जारी नहीं किया जाएगा। नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने डायरेक्टर पार्लियामेंट लार्जेस्ट CDO को PTI के मुस्ताफी MNA से रहायशगाहें खाली कराने की हदायत जारी की हैं। इब्तदाई तौर पर 70 मुस्ताफी MNA को पार्लियामेंट लार्जेस्ट की रहायशगाहें खाली कराने के अहकाम जारी किए गए हैं और साथ ही उनकी पार्लियामेंट लार्जेस्ट की अलाटमेंट भी मनसूख कर दी गई है। मुराद सईद, उमर अयूब, असद उमर, असद कैसर, शेख रशीद, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान, सदाकत अली अब्बासी, गुलाम सरवर खान, फवाद चौधरी, नूरुल्लाह कादरी, शहरयार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर और दीगर को लार्जेस्ट खाली कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और CDA का कहना है कि अगर ये अपने जुम्मे वाजबात अदा नहीं करेंगे तो इनको NOC नहीं मिलेगा और NOC के बगैर ये इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 124 PTI अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और इस नोटिफिकेशन के इजरात के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इन अफराद से सरकारी रहायशगाहें खाली कराने के लिए CDA को अहकाम जारी किए हैं। ऑनलाइन डिजिटल TV ऑफिशियल, इस्लामाबाद।